अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा चैनल NM टेक में खुश आमदीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं मदरबोर्ड की अहम मालूमात के बारे में। मदरबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ अहम है, कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मदरबोर्ड में सबसे पहले जो पार्ट्स ज़रूरी है वो ये है, प्रोसेसर साकेट। अगर ये प्रोसेसर साकेट आपकी काम करना छोड़ जाए ना, तो आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। और उसके बाद इसमें ये रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के बाद इसमें ये पावर सप्लाई का मेन जो जैक है, पावर सप्लाई का 24 पिन वो यहाँ पे लगेंगी। उसके बाद जो रैम के लिए 12 वोल्ट की जो पावर है वो यहाँ पे लगेगी। उसके बाद इसमें ये सीमोस सेल लगा हुआ है, ये सीमोस का जो काम है वो टाइम को सेव रखता है, डे टाइम को। उसके बाद दीगर पार्ट्स लगे हैं इसमें, ये जो बोर्ड है डेल का है, डेल का ये EL36765 मॉडल है, इसका मॉडल नंबर भी ऊपर मेंशन हुआ है, डेल ब्रांड का मदरबोर्ड है। इसमें जो मेन चीज़ है वो NVIDIA चिपसेट है, ये NVIDIA चिपसेट मदरबोर्ड है। इसमें इंटेल भी आता है लेकिन ये NVIDIA चिपसेट है। और उसके बाद इस जो मदरबोर्ड की टोटल प्रोग्रामिंग होती है ना, वो होती है इसकी बायोस के अंदर। और इस मदरबोर्ड में जो बायोस का जो आईसी लगा हुआ है ना, मेन आईसी इसमें प्रोग्रामिंग है जो, वो ये है, ठीक है। इस प्रोग्राम आईसी ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बायोस, SST के नाम पे इसमें बायोस का आईसी लगा हुआ है। इसमें इस मदरबोर्ड की टोटल प्रोग्रामिंग है जो इस मदरबोर्ड को चलाएगी, इसकी रैम को एक्सेप्ट करेगी, प्रोसेसर को एक्सेप्ट करेगी, इसमें VGA कार्ड और इसमें जो इसकी जो मेन पोर्ट बनी हुई है, ऑडियो पोर्ट, USB पोर्ट, इंटरनेट पोर्ट, ये भी आगे USB पोर्ट है, उसके बाद VGA पोर्ट, ये आगे प्रिंटर पोर्ट है। और इसमें ये साटा कनेक्टर बने हुए हैं, साटा लगती है इसमें, हार्ड ड्राइव, DVD रोम, और उसके बाद ये फ्लॉपी के लिए बनी हुई है, ये इधर फ्लॉपी लगेगी, ID पोर्ट, ये फ्रंट पैनल पोर्ट लगी हुई है जिसमें इसके जो फ्रंट पे USB है, फ्रंट USB और फ्रंट पावर जो जैक है वो यहाँ पे लगेगा। इसी तरह इसमें दीगर चीज़ें जो वक्फे से लगी हुई हैं, उसकी हम आपको डिटेल के साथ एक वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें डिटेल के साथ इसमें हर चीज़ को ऐड करेंगे और साथ इस मेंशन हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है और कैसे इसको यूज़ करना है।